तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद निकले हैं घर से और छोटा सा एक ट्रिप पे जा रहे हैं फिर से। आप थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, अभी देख रहे हो आप लोग, थोड़ा बहुत उजाला हो गया है, तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और भाई हम लोग निकल चुके हैं। अभी 8 किलोमीटर आ चुका अपने घर से और यहाँ से अभी थोड़ा एक 8-10 किलोमीटर और है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपना दोस्त मिलेगा। देखते हैं कि कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि सोलो राइड कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ एक बंदा आएगा अपना दोस्त, लेकिन वो अपनी गाड़ी पे रहेगा, मैं अपनी गाड़ी पे रहूँगा, मेरे साथ कोई नहीं है प्लेन, और पता नहीं किसी को लेके आएगा नहीं आएगा। ठीक है, 6:30 बजने वाला है और अभी हम लोग बालनगर क्रॉस कर चुके हैं और अपने मंजिल पर जा रहे हैं और अपना दोस्त भी मिलने वाला है सामने। सो गाइस, अभी मैं आपको बता दूं कि अपनी जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये सामने अपने भाई जा रहे हैं, अपाचे वाला ब्रो, ये एक्सर का हेलमेट पहने हुए हैं भाई साहब, और देख रहे हो पूरी सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। गाड़ी में क्रैश गार्ड वगैरह सब लगवा लिया है भाई ने। सो गाइस, वी आर ऑन हाईवे और अभी जैसा आप देख रहे हो ना कि हाईवे पर चढ़ गए हैं, ट्रैफिक बहुत है, लेकिन यार ये तूफान वाले जो गाड़ियाँ हैं ना, ये देखो ये जा रहा है जो बगल में, यार क्या चलाते हैं लोग, बहुत डेंजर चलाते हैं लोग, सही बता रहा हूँ। गाड़ी में हो गया था फ्यूल कम और ये भाई अपने एक और आ चुके हैं R15 में, ये भी भाई अपने साथ है और ये देख रहे हो अपाची R15, दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं भाई और अपने बीच में पुणे हाईवे है ये। और अब इस हाईवे के ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं और अब भी देखिए क्या रोड है भाई, ज़बरदस्त। थोड़ा सिटी में ट्रैफिक था तो उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हमको। ओके, सो गाइस, अभी जो हमारे राइड का पहला टॉल गेट है वो ये आ चुका है, देख रहे हो, डेक्कन टॉलवे लिमिटेड। ओके, तो ये टॉल गेट है, ये हो चुका है पार और अभी आप देख रहे हो और 21 किलोमीटर जाना है हमको। भाई ठंडी देख रहे हो कैसी है भाई, अभी मतलब 8 बज रहा है लेकिन आप यहाँ पे फॉग देख सकते हो कितना है, रोड ही नहीं दिख रहा था अभी तक फॉग की वजह से, और मेरे हेलमेट के अंदर भी थोड़ा बहुत फॉग हो जा रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा ओपन स्पेस है ना, पूरा मतलब ग्रीनरी है, पेड़ वगैरह है यहाँ पे, तो उसकी वजह से पूरा फॉग हो जा रहा है। देखिए 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 भाई साहब, देखिए देख सकते हो क्या हाईवे है यार, मज़ा आ रहा है, मुंबई पुणे हाईवे मस्त लग रहा है चलाने में, रोड एकदम मतलब कोई पैचेस नहीं, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा पैचेस लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही पैचेस है यहाँ पे, रोड एक नंबर का रोड है, मस्त जा सकते हो आराम से, बात नहीं। तो गाइस, अभी यहाँ से ज़ायराबाद 25 किलोमीटर दिखा रहे हो, तेलुगू में लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा है, लेकिन ज़ायराबाद ही लिखा हुआ है। सो गाइस, ज़ायराबाद पहुंच गए हैं हम लोग, 2 किलोमीटर और दिखा रहा है मैप में ज़ायराबाद के लिए, सॉरी 4 किलोमीटर है, 2+2 4। सो फाइनली हम लोग ज़ायराबाद पहुंच चुके हैं, ये ज़ायराबाद का चौरस्ता है और यहाँ से हमको लेना है राइट और वहाँ पे जाना है आगे मंदिर पे। तो गाइस, आपको बता दूं कि
अभी ऑफ रोडिंग करके आ रहे थे, रोड अच्छा नहीं था, 2 किलोमीटर के लिए रोड आपको ख़राब दिखेगा ज़हीराबाद से अंदर आओगे जब राइट टर्न लेके, 2 किलोमीटर तक आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा ख़राब रोड दिखेगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 नंबर का रोड है। तो बीच में रोड ख़राब मिल गया था और उसके बाद थोड़ा अच्छा रोड आया था, फिर बीच में रोड ख़राब हो गया था, फिर अभी देख रहे हो अभी तो अच्छा रोड है भाई, अभी आराम से 60-70 पे क्रूज़ करेंगे हम लोग और आराम से पहुंच सकते हैं बीदर, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, चलते रहेंगे तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे, कहीं ब्रेक ना लें हम लोग तो सही रहेगा, अगर बीच में कहीं रोकते हैं तो भाई टाइम और लेट होगा पहुँचने के लिए। रोड अच्छे हैं आसपास में देख रहे हो आप, ये हरियाली है पूरी, तो 15 ईयर्स हो जाएगा। R15 में अपना भाई जो बैठे हुए हैं ना, सो गाइस हम लोग बीदर पहुंच चुके, बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वेलकम यू। तो यहाँ से होता है बीदर शुरू, कर्नाटका यहाँ से शुरू है भाई। तो भाई देख रहे हो रोड, मस्त रोड है यार, देखो सामने आपको दिख रहा होगा पूरा, ये देखो पूरा जंगल है, दोनों साइड में जंगल है, बीच में से रोड गया हुआ है, मज़ा आ रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है। गाड़ी ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है, हाईवे जैसा है ये सिंगल। भाई साहब क्या है यार नज़ारे देख रहे हो, भाई साहब क्या खतरनाक दिख रहा है, व्यूज व्यू देखो ना, ये देखो लेफ्ट में राइट में, मज़ा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुल्तानपुर मलकपेट, यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट और यहाँ से चलते रहना है सीधा, कितना किलोमीटर है वो तो हमको नहीं पता भाई, लेकिन चलते रहना है। यहाँ पे टैक्स लग रहा है, कितना है भैया? 10 रुपये। कौन दे रहे तुम्हारे फ्रेंड को? हाँ आ रहा ब्रो, एक मिनट इसको भी फोन कर देता हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं बीदर, पार्किंग के लिए जगह नहीं है भाई, ये तो बहुत खतरनाक, बाइक पार्किंग कहीं दिख ही नहीं रहा, सब 4-4-4। भाई देखो
अभी हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं पानी के अंदर से, और अभी देखिए चलो सर दर्शन वाले दर्शन करके चलो झुका देखो भगवान झुका देखो चलो वंगे वंगे चूडंडि पहिला स्वामी को जाना कहाँ से बाहर सेम है आपको बता दूं गाइस कि हमारा दर्शन हो चुका है मंदिर में और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। सो गाइस अब भी जस्ट पहुंचा हूं मैं घर पे और अभी बज रहे हैं 8 बज गए हैं और मैं फुल टायर्ड हो चुका हूं गाड़ी चला के अकेले, लेकिन जो मेरी जर्नी थी बहुत ही मज़ा आया मेरे को। ऐसी और जर्नी हम करते रहेंगे और वीडियो ऐसी बनाते रहेंगे, और आप बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।